एनसीबी द्वारा दो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स सस्पेंशन में हैं, वहीं जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उन पर भी एक सस्पिशन बना हुआ है। क्या है पूरी बात मैं आप लोगों को बता दूं। रोल ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स फाउंड टू बी सस्पिशियस, इंटरनल इंक्वायरी बीइंग कंडक्टेड बाय एनसीबीज मुंबई जोनल यूनिट। ये खबर निकल कर आ रही है कि इंक्वायरी कंडक्ट शुरू हो चुकी है ऑन बोथ द इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स। ये वही इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स हैं जिनको बेल हियरिंग के टाइम पे अवेलेबल होना था किला कोर्ट में, जब बेल एप्लीकेशन मूव करी गई थी और सुनवाई हो रही थी भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के केस में। दोनों ऑफिसर्स उस टाइम अवेलेबल नहीं थे, जो कि एक सस्पिशन क्रिएट कर रहा है और कर चुका है, जिसकी वजह से अब वो सस्पेंड हुए हैं और उन पर अब इंक्वायरी शुरू हो गई है। वहीं जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ही ऑल्सो फेल्ड टू अपेयर ड्यूरिंग द शेड्यूल्ड बेल हियरिंग ऑफ मिस सिंह एंड हर हस्बैंड ड्यूरिंग हियरिंग ऑन द एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन ऑफ दीपिका पादुकोण एक्स मैनेजर करिश्मा प्रकाश। ये खबर आ रही है। एज द रोल ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैज बीन फाउंड टू बी सस्पिशियस इन बोथ द केसेस, an internal inquiry has been ordered and is being conducted by NCB's Mumbai Zonal Unit. ये खबर आ रही है जो कि दो investigative officers और special prosecutor के against में अब NCB Mumbai Zonal internal inquiry conduct कर रही है। The NCB has moved an application before a court here to challenge the bail granted to Bharti Singh and her husband. मिस सिंह आप लोगों को पता है अरेस्ट हुई थी, 86.5 ग्राम गांजा उनके घर से मिला था, दोनों को जेल हुई थी और अगले दिन बेल पर रिहा हो गए थे। वहीं करिश्मा प्रकाश को कई बार एनसीबी ने समन किया था, कोई जवाब नहीं मिला और उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया था।